नहमदून रसूल करीम अम्माबाद आप समत फ़रमा रहे हैं सिलसिला मलफूज़ात हकीम उलम्मत हज़रत अकदस मौलाना अशरफ अली थानवी कदर सर हज़रत फरमाते हैं कि खालिक इसबाब यानी अल्ला तबाब के खालिक यानि अल्लाह ताली के साथ ताल्लुक पैदा करने से मुसीबतों में परेशानी नहीं होती इसकी वजाहत यूँ फरमाई कि मुसीबत से बचने के लिए ज़ाहरी इसबाब पर दारोमदार मत रखो मसलन हमारे पास तो तावीज़ है हमें ताउन नहीं हो सकता आजकल कोरोना है तो कोई ये समझे कि मेरे पास तावीज़ है और करोना नहीं हो सकता फैं ये सब बातें हुक्म खुदावंदी के सामने क्या हकीकत रखती हैं सबब असली को इख्तियार करो और वो है अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना और आमाल में अहकाम का इंतसाल पैदा करो यानी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अमल करने की कोशिश करो इसके बाद मुसीबत हकीकी कभी नहीं आएगी यानी ज़ाहरी मसायब जैसे मर्ज मौत या कोई ज़ाहरी परेशानी रंज और ग़म वगैरह आ सकता है मगर इतातल की बरक़त से तुम्हारा क़ल परेशान नहीं होगा दिल परेशान नहीं होगा मिसाल दी कि जैसा कि बच्चा माँ की गोद में होता है तो किसी चीज़ से परेशान नहीं होता इसी तरह इस फर्माबरदार शख़्स को चूँकि अल्लाह का क़ुरब नसीब हो जाता है लिहाजा यह भी परेशानी नहीं होती कि ये मुसीबत क्यों पेश आई है और इससे तरक्की याफ़्ता सूरत हाल तो ये हो जाती है कि दोस्त की तरफ़ से बला के आरजू करने लगता है यानी दोस्ती में अगर अपने दोस्त की तरफ से कोई आजमाइश आए तो उस आजमाइश से गुजर जाने को पसंद करने लगता है और एक इराकी का शेर जिसे उसने कहा न नसीब दुश्मन के शवद हलाक के ते तेगत सरे दोस्त सलामत के तु खंजर आज़माई ये वो इराकी का शेर है जिसमें वो यही कहता है कि दोस्त की तरफ़ से आजमाइश का आ जाना ये और भी ज़्यादा मुसरत का बास है लिहाजा चाहिए कि मुसीबत के मुबतला को देख कर इबरत हासिल करे ये जो शेर था इराकी का इसमें वो कहता है कि दुश्मन को ये नसीब ना हो कि तेरी तलवार से हलाक हो जाए दुश्मन को ये नसीब ना हो कि तेरी तलवार से हलाक हो हम दोस्तों का सर सलामत रहे कि तू खंजर को इन पे आजमाया करे हज़रत हम्मत यही बताना चाहते हैं कि दोस्त के साथ रफ़ाकत में क़ुरबानियों का मज़ा आ जाता है लिहाजा चाहिए कि मुसीबत के, के मुबला को देख के इबरत हासिल करें और इताते हक में मशहूल हूँ इससे बचने की असल तरकीब यही है अब इस पूरे मलफूज़ का जो ख़ुलासा है वो ये है कि अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बना लो तो जब भी कोई हाल पेश आएगा उस पे परेशानी इसलिए नहीं होगी कि जो अल्लाह को मंजूर है वो मुझे कबूल है तो जो मुझे कबूल है उस पर मुझे परेशानी नहीं होती आदमी को परेशानी तो उन बातों से होती है जिनसे आदमी टकरता है उसकी नापसंदीदगी और उसके टकराव की वजह से उसे परेशानी होती है तो अल्लाह ताली के हर आने वाले अल्लाह ताला की तरफ से हाल पर आदमी खुश रहता है तो उसे परेशानियाँ दिली तौर पर गमगीन नहीं करती जहाँ दुख और अफसर्दगी और नदामत और बार बार किसी बात पर आदमी को याददाश्तों पर तंग होने की कैफियत होती है जब अल्लाह से ताल्लुक़ होता है तो ये कैफियत नहीं होती अल्लाह ताला हम सबको अपना तल्लक हासिल कर तोफ़ी नसीब फरमाएँ